24 घंटे में ही जा सकती है सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है समर्थन पत्र। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद के शपथ को रोकने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में आधी रात के बाद करीब 3.5 घंटे चलती बहस के बाद येदियुरप्पा को राहत मिली, जिसके बाद वे आज सुबह सुप्रीम पद के लिए शपथ लेकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गए हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्हें समर्थन विधायकों की लिस्ट कोर्ट को सौंपनी है। बीजेपी के लिए 112 विधायकों की लिस्ट सौंपना आसान नहीं है। ऐसे में येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 222 सीटों पर आए नतीजों में बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। ऐसे में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन बहुमत से वो दूर है। जबकि कांग्रेस और जेडीएस के आए नतीजों के बाद दोनों ने हाथ मिला लिया है। बीजेपी ने जहां सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन करके विधायकों की पर्याप्त संख्या होने का हवाला देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। येदियुरप्पा ने गुरुवार सुबह 9 बजे तय वक्त पर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक भाजपा को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन बड़ी राहत दी है और येदियुरप्पा के शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। HCN न्यूज की रिपोर्ट।